विनेश फोगाट, भारत की मशहूर रेसलर जो कुछ दिन पहले तक ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर रही थी, शुक्रवार 6 सितंबर को उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया है। विनेश फोगाट अब राजनीति में आ गई हैं और कांग्रेस में शामिल हुई हैं। इस बीच विनेश फोगाट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है। शुक्रवार को विनेश फोगाट ने सरकारी नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा भी पोस्ट किया। विनेश फोगाट नॉर्दर्न रेलवे में काम करती थी, वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर तैनात थी। विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ते हुए लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने खुद को रेलवे सेवा से अलग करने का निर्णय लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे की ओर से मुझे दिए गए इस मौके के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। विनेश फोगाट ने अपने इस्तीफे में बताया कि वो क्यों रेलवे की नौकरी छोड़ रही हैं। विनेश ने लिखा कि उनकी पारिवारिक और निजी परिस्थितियों की वजह से वो नौकरी छोड़ रही हैं। विनेश फोगाट रेलवे में ओएसडी थी और इस पद पर अच्छी खासी सैलरी भी उन्हें मिलती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ओएसडी को सालाना 15 से 17 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। इस्तीफा देने के बाद ही विनेश ने फोगाट ने कांग्रेस में एंट्री भी कर ली और अब वो हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती है। बता दें कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था। वो कुश्ती के 50 किलो वर्ग में फाइनल तक पहुंची थी, हालांकि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसकी वजह से ओलंपिक मेडल से वो चूक भी गई थी। वैसे अगर आप विनेश फोगाट का रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने देश के लिए कुल 15 मेडल जिताए हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में उनके नाम एक गोल्ड और एक कांस्य पदक है, साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। इनके अलावा एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। लेकिन अब विनेश फोगाट सरकारी नौकरी छोड़कर एक राजनेता बन गई हैं और उन्होंने अपना एक नया रास्ता चुन लिया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।